मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएएस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को निरस्त किया। उन्होंने कहा कि आरएएस परीक्षा आरपीएस कैलेंडर के हिसाब से 25 और 26 फरवरी को होगी। वहीं अशोक गहलोत ने साफ कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा को उसके समय पर पूरा कराना है। सीएम गहलोत ने कहा कि आईएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 एवं 26 फरवरी को होगा। परीक्षा स्थगित होने पर परीक्षार्थियों पर आर्थिक एवं मानसिक दबाव पड़ेगा। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएएस की भर्ती प्रक्रिया के 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार को 1 वर्ष में पूरा करने के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के बीच 90 से 100 दिन का अंतरकाल रखना आवश्यक है। इससे अधिक अंतराल होने से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं अब ये साफ हो गया है कि आरएएस की परीक्षा उसके निर्धारित समय पर ही होगी। अब देखना ये है कि परीक्षा को स्थगित करने को लेकर जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, क्या वो अब बंद होंगे या फिर अब वो बढ़ने लगेंगे। चारा घोटाले के डोरडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई है। 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हुई है। बता दें कि करीब 139 करोड़ रुपए के गबन के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया था। सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि 38 दोषियों में से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद है, जबकि लालू प्रसाद यादव समेत 3 अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं। इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। बता दें कि संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। एजेंसी ने लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए थे। सितंबर 2013 में निचली अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा और 45 अन्यों को दोषी ठहराया और रांची जेल भेज दिया था। 2013 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। इसके बाद 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव और 15 अन्यों को दोषी पाया, बिरसा मुंडा जेल भेज दिया। इसके बाद 2021 में झारखंड के उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। चारा घोटाले के कुछ 5 मामले चल रहे हैं, जिसमें ये आखिरी और 5वां मामला है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज अपने कोटा प्रवास के दौरान एक बार फिर से मजबूती से दोहराया, कोटा में पुराने हवाई अड्डे की जमीन पर बनेगा कोटा का मिनी सचिवालय। 154 हेक्टेयर की जमीन में से जो जमीन सचिवालय बनाने के काम में आ जाएगी, उसके बाद बाकी बनी जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित होगा। लेकिन जब धारीवाल से ये पूछा गया कि ये जमीन तो फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, तब धारीवाल ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर हाल में ये जमीन यूआईटी कोटा को ट्रांसफर करनी होगी और अगर अथॉरिटी ऐसा नहीं करेगी तो हमें अपनी जमीन लेना आता है। धारीवाल ने इसके साथ ही 23 फरवरी को पेश होने जा रहे प्रदेश बजट को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि गहलोत सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर ऐसा बजट रखने जा रही है कि ऐसा ऐतिहासिक बजट राजस्थान में आज तक राज करने वाली किसी भी सरकार ने पेश ही नहीं किया होगा। कोटा को लेकर धारीवाल ने बजट से कई बड़ी उम्मीदें जगाई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पार्ट 2 का ऐलान इस बजट में हो सकता है, साथ में यूआईटी कोटा को अपग्रेड करके डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कोटा में पुलिस की कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू होने की बड़ी घोषणा बजट में हो सकती है। गृहनगर के अपने प्रवास के तीसरे दिन धारीवाल ने इससे पहले विकास कार्यों का जायजा लिया और उन्होंने दावा किया कि कोटा में अधिकतर प्रोजेक्ट करीब करीब फिनिशिंग मोड में है, जिनके पूरा हो जाने के बाद कोटा एक सुंदर और अत्याधुनिक शहर बनने वाला है। कांग्रेस के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। समापन सत्र में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्य अतिथि के तौर पर एक तरह से शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से खुलकर बातचीत की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि भाजपा भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। इन प्रशिक्षण शिविरों का मकसद यही है कि 3 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं उसके साथ साथ जो फ्लैगशिप योजनाएं आम आदमी के लिए जरूरी है उनको पता चले, वो कार्यकर्ता उन तक पहुंचाएं।
साथ ही साथ डोटासरा का कहना था कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं, जमीनी स्तर पर उनकी समस्याएं भी समझ रहे हैं। साथ ही साथ डोटासरा का कहना था कि केंद्र की सरकार फेलियर रही है, इस बात को भी जनता तक पहुंचाना मकसद रहेगा। महंगाई की मार सबने झेली है। डोटासरा ने कहा कि ऐसा लगता है ये सरकार जो है राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि एंटी नेशनल कहने में मुझे कोई शक सुबह नहीं है। साथ ही साथ रीट मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि भाजपा इस मामले में भी भ्रम फैला रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रीट की जांच एसओजी से हुई है, रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। डोटासरा ने राजेंद्र सिंह राठौड़ पर भी निशाना साधा कि सब जानते हैं कि एनकाउंटर मामले में क्या हुआ था, लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद हम बात नहीं करते क्योंकि हम संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा रखते हैं, लेकिन भाजपा इनसे सरोकार नहीं रखती। काले झंडे भी गोविंद सिंह डोटासरा को भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाए गए। इस दौरान भगवान सिंह मिडतिया वेद व्यास सक्रिय रहे। डोटासरा ने कहा, लोकतंत्र में मुर्दाबाद जिंदाबाद गहनों की तरह हैं, विरोध इनका अधिकार है, लेकिन यदि कोई बात थी तो मुझसे आकर बैठकर बात कर सकते थे, लेकिन यदि ये भाजपा के इशारे पर ही पहुंचे हैं तो फिर इनकी मजबूरी है। आलाकमान ने इनको बोला हुआ है कि आप माहौल खराब कीजिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्वागत है। लोकतंत्र में जो है विरोध भी बहुत ज़रूरी होता है, और यदि सही बात को लेकर कोई विरोध है तो स्वागत है, लेकिन केवल माहौल बिगाड़ने के लिए भाजपा लगातार ऐसा कर रही है तो जनता इस बात को समझती है। जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, दो महिलाओं सहित तीन जनों की हुई मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जताई संवेदना। जोधपुर देचू मार्ग पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिस हादसे में बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल मैनेजर केसी शर्मा, उनकी माताजी लीला देवी और उनकी पत्नी गीता देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह सभी कार से देचू की तरफ जा रहे थे, वही सामने से आ रही एक बोलेरो कैंपर से उनकी टक्कर हो गई। दो टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने गाड़ियों से शव को बाहर निकालने का प्रयास किया और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद जोधपुर में शोक की लहर छा गई, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त